हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। इसका नाम है बॉटल ब्रश प्लांट और ये रोड साइड्स पर आपको अक्सर दिख जाता होगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और थोड़ा पॉइजनस भी होता है, और ये ट्री फॉर्म में होता है जब इसे ज़मीन में लगाया जाता है। मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। ये देखिए, एक ऐसे ही सर्फ का पैकेट था, उसमें लगा दिया है मैंने ये, और इतने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो आप इसे पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये ट्री बन जाता है। ये एक 10 इंच के पॉट में मैंने लगाया है, ये उसमें भी फ्लावरिंग कर रहा है बहुत अच्छे से, और ये पूरा समर सीज़न फ्लावरिंग करता है। और प्लांट तो ये पेरेनियल है, हमेशा आपके पास रहेगा। बस आपको साल में इसका रिपोर्टिंग करनी होगी, इसका गमले का साइज़ थोड़ा बड़े साइज़ में आप रिपोर्ट कर दीजिए हर साल। तो और जब समर्स की शुरुआत हो तो आप इसकी ट्रिमिंग कर दीजिए। तो जितने ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी, देखिए हर ब्रांच पर इस तरह से ये बर्ड्स आएंगी और फ्लावरिंग होती है, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है कि ये शावर है, और इसके फ्लावर के इस यूनिक शेप की वजह से इसे बॉटल ब्रश का प्लांट बोला जाता है। और जैसा कि हमारा पाउडर पफ का प्लांट होता है, मैंने वो भी लगाया हुआ है। उसमें फ्लावरिंग अब अभी इस टाइम ऑफ है, ऑन एंड ऑफ सारा साल फ्लावरिंग करते ही रहते हैं ये प्लांट्स। और ये देखिए, मैं पॉट दिखानी हूँ, ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और सॉइल इसमें किसी भी तरह की सॉइल में बहुत ही इजीली चल जाएगा, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है और ड्राउट टॉलरेंट भी होता है। तो मैंने तो इसमें वही 50% सॉइल ली है, 25% कंपोस्ट और 25% सैंड ली है। और बस आपको इसे फर्टिलाइजेशन के लिए आप वही मंथ में एक बार, आप जब इसका समर्स में जो फ्लावरिंग सीजन है उस टाइम पे आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट एक मुट्ठी आप इसके गमले में दे दीजिए थोड़ा सा गुड़ाई करके, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं जिसमें कोई भी मेंटेनेंस केयर खास नहीं करनी पड़ती और वाटरिंग का भी आप ध्यान नहीं करते, तो भी वो चल जाता है। जैसे कनेर है और चंपा हुआ, उसी तरह से इसकी भी केयर है, बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकते हैं आप इसे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।